हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार जोनवाल और आज आपको मैं एडमिन पैनल सेटअप करना बताऊंगा। तो चलते हैं अपने क्रोम पर। क्रोम पर चलने के बाद में जहाँ से आपने होस्टिंग खरीद रखी हो वहाँ पर आप सी पैनल लॉगिन कर ले। ये देखिए, मैं से अपना सी पैनल लॉगिन कर लेता हूँ और आपने चाहिए जहाँ कैसे भी अपना जो भी होस्टिंग परचेज कर रखी हो वहाँ से अपना सी पैनल लॉगिन कर ले। ये देखिए, सर्विसेज पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में एक्टिव पर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेना इससे पहले। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में सब कुछ आएगा और फिर अपना ये देखिए इधर है जो लॉगिन टू सी पैनल लिखा हुआ है, यहाँ पर सी पैनल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में अपन ये देखिए यहाँ पर है जो अपनी फाइल्स खुल चुकी है। तो लॉगिन करने के बाद में अपना सब डोमेन क्रिएट करेंगे अपन। ये देखिए, सब डोमेन यहाँ से क्रिएट होगा। ये देखिए, नीचे आएंगे और यहाँ से सब डोमेन क्रिएट होगा। तो सब डोमेन क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम, क्या नाम रखें, नाम रख देना कुछ भी, पाइक जोनवाल रख देते हैं। नहीं, पाइक जोनवाल नहीं, अपन लिख देते हैं जोनवाल नाइन नाइन रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक है जो आ जाता है नाम, तो क्रिएट पे ओके करेंगे और अपना है जो सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। ये देखिए सक्सेस आ गया। गो बैक करेंगे। गो बैक करने के बाद में सब डोमेन क्रिएट करने के बाद में हम अपने होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद में फाइल मैनेजर में अपन जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर है जो पब्लिशर HTML लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो अपन ने सब डोमेन बनाया था जोनवाल लाइन का वो कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर है, तो इसको क्लिक करेंगे अपन। यहाँ पर एक फाइल है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर डिलीट करने के बाद में यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे। ये देखिए, फाइल जहाँ कहीं भी हो तुम्हारी वहाँ से हम फाइल है जो इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं फाइल है जो इंपोर्ट कर लेता हूँ, 14 MB की है। नेट स्पीड थोड़ी सही ठीक ठाक आ रही है, जल्दी हो जाएगा काम। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सेवा की जाएगी। फाइल डालने के बाद में इसे एक्सपोर्ट करना है। अभी पूरी तरीके से हो रही है। ये व्हाट्सएप नंबर पर हम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो यदि आपको किसी भी प्रकार की बैलेंस सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये देखिए, हम गो बैक जाएंगे। गो बैक जाने के बाद में ये देखिए हमारी है जो फाइल यहाँ पर आ चुकी है, तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपन। तो इसे करने के बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये देखिए हो चुके हैं। रिलोड करेंगे, ये फाइल इधर आ जाएगी और जो अपन ने फाइल इनपुट की थी उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने डिलीट कर दी है। अब हम है जो डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए ये ऊपर APL की जो फाइल है इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए कॉन्फिग PHP, इस पर क्लिक करेंगे। इसको मतलब एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद में हम यहाँ से हमारा डाटाबेस है जो कंप्लीट होगा। तो अब देखिए, तो इसके बाद में हम है जो अपने होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद में अपना डोमेन चेक करेंगे। तो डोमेन चेक करने के बाद में हम दिखाते हैं, ये देखिए मैंने कौन सा नाम का जोनवाल 99 नाम से, ये देखिए इधर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए हमारा ये है जो हमारा ओपन हो चुका है डोमेन। तो अब सब डोमेन क्रिएट करेंगे हम। तो देखिए हमारा है जो ये जो लिंक है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर है जो इंपोर्ट कर देंगे API पाथ में। यहाँ से API पाथ में हम पहले तो ये डिलीट करते हैं और
यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं और लास्ट में जो API होना चाहिए डाटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम पेज पर जाएंगे, डाटाबेस क्रिएट करेंगे। ये देखिए हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, हम नाम लिखेंगे जॉन 199 और क्रिएट डाटाबेस करेंगे। तो ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, गो बैक करेंगे। गो बैक करने के बाद में इधर देखेंगे कौन सा डाटाबेस, ये देखिए ये हमने डाटाबेस क्रिएट किया है, इसको हम पूरे को कॉपी करेंगे। तो इस पाथ में इधर है जो इधर हमको इसको हटा के अपना डाटाबेस यहाँ पर कॉपी कर देना है। यूजर नेम में और डाटाबेस में दोनों में कॉपी कर देना है। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद में हमने है जो यहाँ पर है जो डाल दिया पासवर्ड, हम क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम इधर है जो नाम डालेंगे, जो उधर ऊपर डाला था जॉन वॉल 99, इधर है जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे अपन। ये देखिए पासवर्ड है, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पे इधर कॉपी करेंगे, फिर इधर पेस्ट कर देंगे। दोनों में पेस्ट करने के बाद में इधर है जो ये देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया पासवर्ड। बैक आ जाने के बाद में इधर इस पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट करना है अपने। तो ये देखिए यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में इधर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये सेव हो चुका है सक्सेसफुल, का ये ऑप्शन आ चुका है। ये देखिए पर है जो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब अपना डाटाबेस भी कंप्लीट हो चुका है, पासवर्ड भी है जो जनरेट कर दिया है, API पाथ को भी अपन ने है जो पेस्ट कर दिया है। अब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में हम है जो इधर आएंगे। इधर आने के बाद में एक काम और करेंगे, इधर ये देखिए यूज है ऐड यूजर टू डाटाबेस, यहाँ पर है जो अपना डाटाबेस ऐड करेंगे। तो जॉन वॉल 99 ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सभी फाइलों पर क्लिक कर देंगे सभी पर, और यहाँ पर है जो अपन इसे भी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए सक्सेसफुल का यहाँ पर है जो मैसेज आ चुका है। तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सभी के सभी चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज़ और अपन को कंप्लीट करनी है, वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की यदि इसमें दिक्कत आती हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो, आपकी पूरी है जो मदद की जाएगी। और आपको ऐप बनवाना हो या और कोई दूसरा पैनल सेटअप करवाना हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम है जो आपको फुल सपोर्ट देगी। और किसी भी प्रकार का आपको ऐप बनवा रहा हो एंड्रॉयड तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अब आगे देखते हैं हम कि क्या। अब हमारा एक काम और बचा हुआ है, तो हम होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद में नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो ऐप PHP फाइल है जो यहाँ पर इनपुट करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है, देखते हैं मैसेज आ गया फोन में। तो इधर देखेंगे यहाँ पर फाइल अपनी बनाई थी 4199, यहाँ पर है जो अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर ये भी इसको है जो यहाँ पर गो बैक करेंगे। ये देखिए गो बैक हो चुकी है, अभी धीरे धीरे होने वाली है। तो आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती हो इसमें, वैसे तो आपको मैंने पूरा बता दिया है। ये देखिए यहाँ पर है जो पूरा का पूरा काम अपना हो चुका है, ये फाइल है जो इम्पोर्ट हो चुकी है इधर। ये देखिए अपना पूरा काम हो चुका है, यहाँ पर फाइल है जो इम्पोर्ट हो चुकी है, उस पर क्लिक करके आपको मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए पूरा काम है जो यहाँ पर हो चुका है। अब तो एक काम और बचा हुआ है, तो आपको यदि इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है
अवेलेबल हैं तो आप हमें बता सकते हो, आप दे सकते हो हमसे सोर्स कोड। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद में हम है जो अपना एक काम और बचा हुआ है, यहाँ पर इसको तो कट करेंगे और यहाँ से है जो होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में एक बार और पब्लिक HTML पे क्लिक करेंगे और जोनवा लाइन 9 पे क्लिक करेंगे जो हमने सब डोमेन बनाया हुआ है। तो ये देखिए नीचे यहाँ पर है जो कॉन्फिडेंट PHP एक फाइल है, यहाँ पर जाएंगे और एडिट करेंगे इसको भी। जहाँ ये है जो हमारा ये सब कुछ मतलब ऐप का, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब सब कुछ यहीं से चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा है जो नाम ऐप का यहाँ से चेंज होगा। तो पहले नाम चेंज कर लेते हैं, जोनवाल 99। यहाँ देखिए सेव पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो चुका है। और ये वाला पाथ है जो अपन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में इसे है जो API URL है वहाँ पर इसे कॉपी कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर है तो इसे कॉपी कर देंगे, कॉपी कर दिया, सेव पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए सेव पर क्लिक कर जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पर है जो हमने नाम चेंज किया था ऐप का नाम, ये चीज़ देख सकते हो आप। यहाँ पर है जो नाम चेंज हो चुका है जोनवा ऑनलाइन, और हमारा ये है जो लोगो भी अपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो लोगो में आपको चेंज लोगो भी आप यहाँ से है जो ऐप पिक्चर यहाँ से है जो आप लोगो चेंज कर सकते हो। तो हमारा है जो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ये देखिए। तो हमारा है जो काम कंप्लीट हो चुका है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यदि आपको ऐप बनवाना हो किसी भी प्रकार का तो ऐप भी हमसे बनवा सकते हो और सोर्स कोड दे सकते हो, मतलब जो भी आपको कोई भी दिक्कत आती हो ऐप में तो वो हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारा है जो पूरी तरीके से हमारा है जो एडमिन पैनल सेटअप हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को स्लो फास्ट करके जो भी आपको समझ में आए जैसे आप कर सकते हो। और यदि आप किसी भी प्रकार की और यदि और दिक्कत आती हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।